बच्चों आपका स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, लिमिटेशन क्या है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। देखें लिमिटेशन नंबर वन, डॉल्टन थ्योरी ये कहती है कि एटम इनडिविजिबल है, जबकि रियल में एटम जो है वो क्या है, डिविजिबल है ना। तो डॉल्टन थ्योरी क्या कहती है, एटम इज इनडिविजिबल बट इन रियल एटम इज डिविजिबल इन थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो क्या कहा मैंने पहले पॉइंट में, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, यानी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि असली में एटम को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहली कमी। दूसरी कमी क्या है, ये थ्योरी कहती है कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम हर प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, एक ही एलिमेंट के सारे एटम हर बात में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन आइसोटोप के केस में ये बात फेल हो जाएगी। देखें अगर देखो ये तीनों एटम हाइड्रोजन के हैं, तो अगर डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी सही है तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों एटम हाइड्रोजन के हैं तो इनकी हर बात सेम होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं इनकी हर बात सेम नहीं है, इनके मास नंबर तो अलग अलग है। डॉल्टन क्या कहते थे, अगर एटम एक ही एलिमेंट के तो उनकी हर बात सेम होगी, साइज शेप है ना, वेट, ईच एंड एवरीथिंग उनकी सेम होगी, लेकिन हमने देखा आइसोटोप के केस में ये बात गलत है ना। ये तीनों ही एटम हाइड्रोजन के हैं, लेकिन इनके मास नंबर अलग अलग है। तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट भी गलत हो गया कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, ये पॉइंट भी गलत है। उन्होंने इसे बोला था एटम ऑफ द सेम एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टीज, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, ये वाली बात भी आइसोटोप के केस में गलत होती है। तो हमने देखा दो गलतियां तो यही हो गई। थर्ड गलती है आइसोबार के केस में। आइसोबार देखो 18 AR 40, 19 K 40, 20 CA 40, उन्होंने कहा था अगर एटम्स अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनकी एक भी बात सेम नहीं होगी, अगर एटम अलग अलग एलिमेंट के तो उनकी एक भी बात सेम नहीं होगी, सारी बातें अलग अलग होंगी। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं ये एटम है आर्गन का, ये पोटेशियम का, ये कैल्शियम का, लेकिन इनके ये नंबर सेम है, कौन से नंबर, मास नंबर। तो हमने देखा कि एलिमेंट एटम सेम होने पर भी चीजें अलग हो गई, और देखा कि एटम अलग अलग होने पर भी चीजें सेम हो गई। क्या देखा कि जब एटम सेम है तब चीजें अलग है, और जब एटम अलग अलग है तब चीजें सेम है ना। तो इस तरीके से हमने देखा आइसोटोप और आइसोबार के केस में ये थ्योरी फेल हो गई। अगर आपको डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी याद हो तो देखो उसमें उन्होंने एक पॉइंट क्या बोला था, एटम इज इंडिविजिबल, ये बात गलत है, एटम इज डिविजिबल है। उन्होंने बोला था एक ही चीज के, एक ही एलिमेंट के सारे एटम हर बात में सेम होते हैं, हमने कहा नहीं ये बात गलत है आइसोटोप के केस में। ऐसे उन्होंने बोला था अलग अलग एलिमेंट के एटम हर बात में अलग होते हैं, हम कह रहे हैं ये बात भी गलत है आइसोबार के केस में। तो देखो ये थ्योरी आइसोटोप में भी फेल है, आइसोबार के केस में भी फेल है। तो इस तरीके से इसमें कितनी मिस्टेक निकली, तीन। बाकी और बता रहे हैं आप, पहले इन्हें नोट करें, ये तीन नोट कर लें जल्दी से, फिर अगले पॉइंट देखेंगे।
4, 5, 6। चलिए भाई अब पॉइंट नंबर फोर में हम कह रहे हैं, पॉइंट नंबर फोर में कहा कि ये थ्योरी ये नहीं बता पाती है वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाती है नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन एटम्स, नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन एटम्स। आप कहोगे सर ये दोनों पॉइंट क्लियर करिए। देखो बेटा फोर्थ पॉइंट में हमने ये बोला कि डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ये तो बताती है कि एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब उनसे क्वेश्चन पूछा गया एटम कंबाइन क्यों होते हैं, एटम कंबाइन हो क्यों रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है, तो वो बता नहीं पाए। लेकिन हमें अब मालूम है कि इसके पीछे असली कारण ये है, एटम इसलिए कंबाइन होते हैं जिससे वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन ला पाए, यानी हर एटम इसलिए कंबाइन होता है जिससे वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला पाए। लेकिन ये बात डॉल्टन को नहीं मालूम थी, वो ये नहीं बता पाए कि असली में एटम कंबाइन हो क्यों रहे, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन अब हमें प्रेजेंट टाइम में कारण मालूम है, इसके पीछे वजह है कि एटम नोबल गैस जैसा होना चाहते हैं, लेकिन ये बात डॉल्टन को मालूम नहीं थी। पांचवें पॉइंट में क्या कहा, नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन एटम, नेचर ऑफ फोर्सेस का मतलब है कौन से बॉन्ड बनेंगे, एटम कंबाइन हुए तो उनके बीच में या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन डॉल्टन थ्योरी ना तो आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ बात कर रही है ना कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, इवन उसे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं गई। तो एटम आपस में कंबाइन होते समय आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती ये थ्योरी। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के लिए वर्ड यूज किया है नेचर ऑफ फोर्सेस। ठीक, पांच पॉइंट हो गए। सिक्स पॉइंट है, ये थ्योरी गैसियस वॉल्यूम के लॉ, दिस थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी कि इस थ्योरी से लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यानी गैलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम वगैरह को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांच लॉज थे, है ना, उसमें पांचवा लॉ कौन सा था, गैलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये थ्योरी गैलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब मुझे कोई कहे कि सर आप ना जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की कमियां है वो कितनी है, आंसर 6। आप जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो देखो पहली कमी क्या है, दूसरी क्या है, छियों पॉइंट को सुनो, है ना, इसने 6 कमियां जो करी हैं वो क्या करी हैं उनको समझ लो, क्या क्या गलतियां करी हैं। ठीक है, पहली बात इसने कहा था एटम ब्रेक नहीं हो सकता, इंडिविजिबल है, जबकि असली में ब्रेक हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। दूसरा इन्हें कहा था एक ही एलिमेंट के सारे एटम हर बात में सेम होते हैं, ये बात फेल हो गई आइसोटोप में। तीसरा इनने कहा था अलग अलग चीजों के जो एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी कोई बात सेम नहीं होती है, ये बात फेल हो गई आइसोबार में। तो आइसोटोप में फेल हो गई, आइसोबार में फेल हो गई, एटम असली में डिविजिबल है, तीन कमियां। चौथी कमी ये थ्योरी ये कहती है कि एटम कंबाइन होते हैं, लेकिन अगर हम पूछे एटम कंबाइन हो क्यों रहे, एटम कंबाइन होने के पीछे क्या कारण है, तो ये थ्योरी ये नहीं बता पाती कि नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन लाने के लिए वो कंबाइन हो रहे हैं। और पांचवी कमी ये है कि ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है, यानी नेचर ऑफ फोर्सेस पर चुप रहती है। और छठवीं कमी ये गैलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक, क्या कमियां हैं जल्दी जल्दी से बोलो, एटम असली में डिविजिबल है ना, आइसोटोप के केस में ये फेल, आइसोबार के केस में फेल, ये नहीं बताती एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं, ये आयनिक कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रही है, गैलुजक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इससे समझाया नहीं जा रहा है। तो ये 6-6 कमियों के साथ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी करप्ट हो गई, बेकार हो गई। ठीक है, ये इसकी गलतियां हैं, सामने से हट रहा हूं, कुछ पॉइंट नोट कर लें आप जो छूट रहे हैं आपके, 1, 2, 3 पहले आप नोट कर चुके हैं, 4, 5, 6 सब नोट कर लें।
ठीक है बच्चों, देख लिया, नोट कर लिया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी की सारी कमियां समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉम्प्लीमेंट करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।